इस वीडियो में इरेशनल नंबर और उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इरेशनल नंबर है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है। क्लास टेंथ में इरेशनल नंबर का जो डिफिनेशन दिया गया है वो इस तरह से है, ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि ऐसा नंबर, कोई नंबर हमारे पास है एस, और ऐसा नंबर हो जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब जिस तरह से रेशनल नंबर को लिखते थे, रिप्रेजेंट करते थे पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को नहीं लिख सकते हैं वही इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव, इस तरह का जो नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा वो सारा आपका इरेशनल नंबर होगा। उसी के साथ साथ पाई, हम लोग जानते हैं पाई भी इरेशनल नंबर है। उसके साथ साथ जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा वो भी इरेशनल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0.10, 110, 111, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर ना ही टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ देखें ये रिपीटिंग भी नहीं है, 10 है, 110 है ना, 1110 है, तो रिपीट भी नहीं कर रहा है और ना ही ये टर्मिनेट यानी इंड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर से जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पहला है द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर हम एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो सम जो आएगा, जो हमारा आंसर होगा वो इरेशनल होगा। जैसे 2 + √3, इसका जो सम होगा हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। दूसरा है द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये रेशनल है, रेशनल में से इरेशनल घटा दीजिए तो भी इरेशनल, या फिर इरेशनल है इसमें से रेशनल घटा दीजिए तो भी इरेशनल आएगा। तीसरा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब कि जीरो को छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर, जैसे कि हम ले लेते हैं 5/2, ये एक रेशनल है, और इरेशनल नंबर ले लेते हैं √5, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर मीन्स जीरो को छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इरेशनल से, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा यानी आंसर जो आएगा वो इरेशनल होगा। यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात इसलिए की गई है क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आता है, इसीलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात यहाँ पे की गई है। द कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब ये है कि जीरो को छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए तो उस रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका जो कोसेंट आएगा यानी इसको डिवाइड करने पर जो आंसर हमारा मिलेगा वो इरेशनल होगा। फिर यहाँ पे भी नॉन जीरो रेशनल नंबर की बात इसलिए की गई है क्योंकि हम जानते हैं जीरो को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा, दैट मीन्स के रेशनल आ जाएगा। इसीलिए ज़ीरो को छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल से डिवाइड करें तो फिर हमारा जो कोशेंट होगा वो इरेशनल होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।